इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के लिए स्टोरी की सेटिंग्स को मैनेज कर सकते हैं। तो यहां से आपको अपने प्रोफाइल में आना है, फिर यहां आपको 3 लाइंस पर टैप करना है और यहां से सेटिंग्स को ओपन कर लेना है। फिर यहां से आपको आना है प्राइवेसी सेटिंग्स में, इसमें आपको स्टोरी का ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले व्यूइंग में देख सकते हैं कि पहला ऑप्शन है हाइड स्टोरी फ्रॉम, यानी कि अगर आपको किसी से स्टोरी हाइड करनी है तो आप यहां से जो है उन अकाउंट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं जिनसे आपको स्टोरी को हाइड करना है, ठीक है। इस तरीके से सर्च भी कर सकते हैं यहां पर। तो यहां से जो है देख सकते हैं हाइड होगी स्टोरी, ये लोग आपकी स्टोरी नहीं देख पाएंगे। आप अगर चाहे तो ईजीली अनहाइड भी कर सकते हैं स्टोरी उन अकाउंट्स के लिए। यहाँ से क्लोज फ्रेंड्स आप ऐड कर सकते हैं, शेयर योर स्टोरी ओनली विथ स्पेसिफिक पीपल, अगर आपको अपनी स्टोरी कुछ ही लोगों के साथ शेयर करनी है, सारे फॉलोअर्स के साथ नहीं, तो आप यहाँ से क्लोज फ्रेंड्स को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जब स्टोरी डालते हैं 2 ऑप्शन आते हैं, योर स्टोरी और क्लोज फ्रेंड। योर स्टोरी अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो सारे लोग स्टोरी देख सकते हैं आपके फॉलोअर्स जो है, और दूसरे लोग भी अगर आपका अकाउंट प्राइवेट नहीं है तो, ठीक है। और अगर आप क्लोज फ्रेंड्स को सेलेक्ट करते हैं तो आपकी स्टोरी सिर्फ क्लोज फ्रेंड्स ही देख पाएंगे, तो वो आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं क्लोज फ्रेंड्स को, ठीक है। अलाउ मैसेज रिप्लाइज, यानी कि आपके स्टोरी पर कौन रिप्लाई कर सकता है वो आप यहां से चूज़ कर सकते हैं। एवरी वन पीपल यू फॉलो, यानी जिनको आप फॉलो करते हैं वो, या फिर ऑफ, यानी कि कोई भी आपकी स्टोरी पर रिप्लाई नहीं कर पाएगा। फिर यहाँ सेविंग में सेव स्टोरी टू गैलरी, इस ऑप्शन को अगर आप ऑन करते हैं तो आपकी जो स्टोरी होगी वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी आपके फ़ोन की गैलरी में, ठीक है। तो इसको आप ऑन कर सकते हैं यहाँ से। दूसरा ऑप्शन सेव स्टोरी टू आर्काइव, ये ऑन है, तो यहाँ से जो है आपकी स्टोरी जो है ऑटोमेटिकली आर्काइव में सेव होगी, तो आपको फ़ोन में सेव करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप चाहे तो इसको ऑन रख सकते हैं या ऑफ भी कर सकते हैं, आपका आर्काइव जो है वो आप ही देख सकते हैं। शेयरिंग, अलाउ शेयरिंग टू स्टोरी, इसको आप यहां से ऑन ऑफ कर सकते हैं कि जो दूसरे लोग हैं वो आपके फीड पोस्ट और IGTV वीडियोस को अपनी स्टोरी में ऐड कर पाएंगे या नहीं, ठीक है। तो आपका यूज़र नेम भी उसके साथ शो होगा पोस्ट के साथ, जो भी शेयर करेगा उसको अपनी स्टोरी में। फिर यहां देख सकते हैं अलाउ शेयरिंग टू मैसेजेस, ये ऑप्शन ऑन है, यानी कि आपके स्टोरी में जो भी फ़ोटोज़ या वीडियोज़ डाली हुई है उसको जो है दूसरे लोग शेयर कर सकते हैं मैसेजेस में, ठीक है। इसको आप ऑफ भी कर सकते हैं चाहे तो यहाँ से। शेयर योर स्टोरी टू फेसबुक, ये ऑप्शन आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं, यानी कि आपकी इंस्टाग्राम स्टोरी आपकी फेसबुक स्टोरी में भी शेयर होगी ऑटोमेटिकली अगर आप इस ऑप्शन को ऑन करते हैं। अब इसमें यहाँ पर और देखें तो यहाँ देख सकते हैं मेंशंस का ऑप्शन है, तो इसमें आप जो है यहाँ से चूज़ कर सकते हैं कि आपको कौन मेंशन कर सकता है, ठीक है, अपनी स्टोरीज, कमेंट्स, लाइव वीडियोस, कैप्शन में, ठीक है। तो वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, एवरीवन, पीपल यू फॉलो, यानी जिनको आप फॉलो करते हैं, या फिर नो वन। तो अगर आपको कोई मेंशन करने की ट्राई करेगा तो वो ये देख पाएगा कि आप मेंशन करना अलाउड नहीं करते हैं।